नमस्कार, आप देख रहे हैं ध्रुव लाइव न्यूज नेटवर्क। दिनांक 2 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस 2022 की तैयारी एवं सफलतापूर्वक आयोजन के मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में बैठक की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर यूसी शर्मा, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन अजय कुमार सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारीगण वहां पर उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन प्रातः 9 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सिकंदरपुर में किया जाएगा। मुख्य समारोह स्थल पर बीएमपी, डीएपी, होमगार्ड पुलिस, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड बैंड, सीआरपीएफ, एसएसबी के प्लाटून परेड में वहीं पर उपस्थित होंगे। ध्रुव लाइव के लिए संवाददाता प्रवीण कुमार राहुल की रिपोर्ट। 2022 समारोह पूरे हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाने का निर्णय लिया गया आज बैठक में। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। मैं बता दूं कि सिकंदरपुर स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम सुबह 9 बजे होगा और उसके बाद विगत वर्षों के भांति सभी कार्यालयों में झंडोत्तोलन का कार्य होगा। इस बार नया निर्देश ये दिया गया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से तिरंगा कलर की लड़ी लगाई जाएगी, जो पहले नीले कलर की लगाई जाती थी। कुल मिला अच्छा जो पिछले वर्ष के भांति परेड की भी व्यवस्था वही होगी। परेड का पूर्वाभ्यास 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक होगा। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगामी 15 अगस्त 2022 को लेकर तैयारी आरंभ कर दें, ससमय कर दें और सभी पदाधिकारी समारोह स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। तो पूरे हर्षोल्लास और उत्साह के साथ 15 अगस्त 2022 की तैयारी चल रही है और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा। सर, कुछ स्कूल में पिछले वर्ष झंडोत्तोलन नहीं किया गया था, एक स्कूल में किया गया। नहीं, इस बात पे भी चर्चा चली है और इसके लिए सख्त निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सभी स्कूलों को इस बाबत अलर्ट किया जा रहा है कि झंडोत्तोलन को लेकर, झंडा फहराने को लेकर पूरी गंभीरता बरतें और उसमें ऐसी घटना न घटे।